बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन तो एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं दो दोस्तों के बीच में बातचीत चल रही है हर सेंटेंस को बिल्कुल नेचुरली बोलेंगे इंग्लिश में द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स स्पीकर सो एल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू स्क्रीन में आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ देखिए प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा जिससे कि प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी साउंड्स याद हो जाएंगे राइट right? सो so, तुम मुझे कब से जानते हो स्ट्रक्चर ग्रामर जितनी जरूरी है समझते हुए चलेंगे साथ के साथ सी हाउ लॉन्ग हैव यू ये क्वेश्चन है इतना ही मेन क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग कब से हैव यू नोन मी तुम मुझे कब से जानते हो हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मी मान के चलिए मैं किसी से पूछूं तुम यहां कब से रहते हो हाउ लॉन्ग हैव यू क्वेश्चन यहां तक है हाउ लॉन्ग हैव यू फिर आगे कंटिन्यूटी पूछेंगे बीन लिविंग हियर काम करने की जब बात हो रही है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर कितने समय से यहाँ रह रहे हो अगर मैं किसी से पूछू तुम कब से पढ़ रहे हो हाउ लॉन्ग हैव हैव यू यू बीन बीन हाउ लॉन्ग बोल करके देखिए साथ में हाउ लॉन्ग हैव यू बीन है आपके पास ये गाड़ी कब से है हाउ लॉन्ग हैव यू क्वेश्चन जब पूछेंगे समय का समय से रिलेटेड कब से ये चीज है पहले से अब तक कब से ये चीज है हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस कार कार आपके पास कब से हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस कार राइट right? मुझे कब से जानते हो? हैव यू नोन दोस्त कब से हो हाउ लॉन्ग है पहले से अब तक हाउ लॉन्ग फ्रेंड उसके दोस्त कब से हो अगर हम पूछें तुम उसको कब से जानते हो हाउ लॉन्ग हिम हाओ लॉन्ग हैव यू नोन हेम लॉजिक क्या है समझने वाला हर सेंटेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि किसी भी सेंटेंस में हैज हैव हैड यूज हो जाएगा तो उसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करते हैं राइट right? तुम उसको कब से जानते हो हाओ लॉन्ग हैव यू नोन हिम तुम उससे कब से बात कर रहे हो हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टॉकिंग टू हिम हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉकिंग टू हिम जिस सेंटेंस में बीन यूज कर लेंगे एक ही बात रिपीट कर रहे हो हाउ लॉन्ग है सेम थिंग साथ के साथ रिपीट करिए अगला सेंटेंस देखिए देखिए एक्चुअल में क्या है एक सेंटेंस से कुछ भी समझ नहीं आता है डोंट जज अक बाइट कवर राइट right, पूरा सेशन देखिए लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगा ट्रांसलेशन नहीं करना है जब से रमेश ने मुझे तुमसे मिलवाया था आई हैव यू मैं तुमको तब से जानता हूं जब से रमेश ने मुझे तुमसे मिलवाया था पहले छोटा सेंटेंस बोली फिर दोनों साथ में बोलेंगे जब से रमेश ने मुझे तुमसे मिलवाया था टाइम बता रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि सिंस स्टार्टिंग पॉइंट है सिं। सिंस रमेश जब से रमेश ने इंट्रोड्यूस किया था आपको मुझसे यानी यू यू टू टू मी मी सिंस रमेश 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 जब जब से 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 ने ने मुझे तुमसे मिलवाया मिलवाया था था अब दोनों सेंटेंसेस साथ में बोलिए मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब से रमेश ने तुम्हें तब जानता मुझसे पहले से कुछ है अब तक है सो so आई right? है so I have known you since रमेश

क्यों कह रहे हैं क्योंकि पहले से अब तक है वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस वी मेट फर्स्ट जब हम पहली बार मिले थे राइट नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस रिपीट करते जाइए साउंड याद होते चले जाएंगे डोंट गेट बोर्ड और सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग इट विल हार्डली बी फिफ्टीन मिनट सो प्लीज स्टे यून एंड वॉच इट टू द एंड पूरा देखेगा एक लाइक बटन दबा दीजिए अगर थोड़ा भी आपको सेशन अच्छा लगता है तो अगर okay, ऐसा so कितना समय हो गया होगा दूसरा दोस्त पूछ रहा है कि कितना समय हो गया होगा हमें मिले हुए कितना समय हो गया होगा अंदाजा जब लगाते हैं तो मस्ट वर्ड यूज करते हैं मस्ट को यूज कहाँ करना है अलग अलग सिचुएशन में यह समझना पड़ेगा so, कितना समय हो गया होगा? कितना बीत गया होगा ये वाला स्टिल आप समझ रहे हैं इसका मतलब है फिर भी फिर भी कितना समय हो गया होगा स्टिल हाउ मच टाइम मस्ट भी कितना समय हो गया होगा राइट right? सो so, दूसरा दोस्त अब दोबारा से दोबारा से अगर इस चीज को बोल करके देखें वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस वी मेट फर्स्ट हम तब से दोस्त हैं जब हम पहली बार मिले थे वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस वी मेट फर्स्ट दूसरा दोस्त पूछ रहा है फिर भी कितना समय हो गया होगा स्टिल हाउ मच टाइम मस्ट हैव हैव फिर भी कितना टाइम टाइम हो गया होगा हाउ मच मस्ट द पॉइंट लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस मुझे पक्का पक्का याद नहीं है फिर भी लगभग एक साल तो हो ही गया होगा मुझे पक्का पक्का याद नहीं है फिर भी फिर भी लगभग एक साल तो हो ही गया होगा See, I don't exactly remember. I don't exactly remember. मुझे पक्का पक्का तो याद नहीं है। का मतलब है, हो गया होगा पास्ट का मतलब है, बीत गया होगा सो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर बट इट मस्ट लगभग एक साल बीत गया होगा

ये सब बातें याद क्यों कर रहे हो दूसरा दोस्त पूछ रहा है आज ये सब बातें याद क्यों कर रहे हो कि कितना समय हो गया होगा कब मिले थे आज ये सब बातें याद क्यों कर रहे हो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है तो वाई आर यू वाई आर यू रिमेंबरिंग ऑल दिस आज क्यों याद कर रहे हो वाई आर यू क्यों कर रहे हो वर्ब के साथ है वाई आर यू जैसे तुम क्यों बैठे हो वाई आर यू सिटिंग तुम क्यों बोल रहे हो वाई आर यू स्पीकिंग तुम आज ये सब याद क्यों कर रहे हो वाई आर यू रिमेंबरिंग All all this this ये सब today today? why are you remembering all this today? Now मैं बस सोच रहा था कि समय कितनी जल्दी निकल जाता है अब देखिए लिटरल एक्शन में एक चीज और है समझने वाली कि वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता है वर्ड्स का यूसेज होता है जैसे कि थिंक मतलब भी सोचना है यहां पर जो है ख्याल की बात हो रही मैं बस सोच रहा था कि समय कितनी जल्दी निकल जाता है सो आई वॉज जस्ट वनड्रिंग वंडर जब हम करते हैं तो हम आश्चर्य करते हैं टाइम पासिस हाउ क्विकलीट वर्ड हमको पता होना चाहिए आई वॉज जस्ट थिंकिंग हाउ क्विकली जल्दी निकल जाता है मैं भी यही सोचता हूँ। पता होना चाहिए सो डू आई थिंक मैं भी यही सोचता हूँ सो डू आई थिंक सो डू आई थिंक यानी मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ सो डू आई थिंक या फिर आप इसी चीज़ को सेंटेंसेस में भी बोल सकते हैं देखिए ऐसा नहीं है इन बातों को कहने का एक ही तरीका हो इन बातों को कहने के बीस तरीके हो सकते हैं आपके माइंड में इन सेंटेंसेस को या इन सिचुएशन में रिस्पॉन्स देने के लिए कोई सेंटेंस अगर आपके माइंड में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हम हर कमेंट को पढ़ते हैं अगर आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन एल गिव यू ए लाइक और अगर गलत होंगे तो हम उसको करेक्ट कर देंगे एक्सप्लेन कर देंगे कि गलती कहाँ पे हो गई है ऑलराइट सो प्लीज पार्टिसिपेट व्हाइल वाचिंग द वीडियो राइट सो खैर तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है आप देखिए तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है पूछने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हाउ इज लाइफ एक छोटा सा सेंटेंस अपने आप में बना हुआ हाउ इज लाइफ इसका मतलब है जिंदगी कैसी चल रही है आप पैसे पूछ सकते हैं वेल हाउ इज लाइफ ब्रीडिंग यू हाउ इज़ लाइफ ट्रीडिंग यू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो अजीब साउंड करेगा इसी तरीके से हमें रियलाइज़ नहीं होता है हम हिंदी के सेंटेंसेज इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल देते हैं बहुत ऑकवर्ड साउंड करते हैं उन लोगों को जो हिंदी नहीं जानते हैं राइट सो हाउ इज़ लाइफ ट्रीडिंग यू आपको लाइफ कैसा ट्रीट कर रही है ट्रांसलेशन नहीं कर रही है बस ऐसे बोल दिया जाता है या फिर हाउ इज योर लाइफ गोइंग हाउ इज योर लाइफ गोइंग कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं हाउ इज योर लाइफ गोइंग हाउ इज़ लाइफ हाउ इज़ लाइफ रीडिंग यू हाउ आर यू डूइंग सबका मतलब वही है आप उसका हाल चाल पूछ रहे हैं राइट लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस बहुत बुरी अगर आपको यही बताना है बहुत बुरी तो एक शब्द बोल दीजिए वर्स वर्स का मतलब ही होता है सबसे ज्यादा बुरा राइट right? थोड़ा सा पोलाइटली कह देंगे तो आप कह सकते हैं पेडी बैड यानी आपसे किसी दोस्त ने पूछा कैजुअली हाउ इज लाइफ रीडिंग यू आप कह सकते हैं पे बैड पेडी बैड कह दीजिए और ज्यादा अगर आपको एम्फरसाइज करना है तो माई लाइफ इज गोइंग वर्स Wars का इस्तेमाल कर सकते हैं सो so, क्या क्या क्यों हुआ अब देखिए जब जब उसने कहा है तो आप नॉर्मल सकते सकते हैं हैं व्हाट व्हाट भी कह सकते हैं। जब वार्स वर्ड से रिलेट करके क्वेश्चन करेंगे उसी लेवल का वर्ड स्ट्रॉन्ग जब उसने कहा बहुत ही बुरी चल रही है तो हम अक्सर पूछ लेते तो ना क्या गड़बड़ है क्या बुरा हो गया सो वट स्ट्रॉन्ग वट हैल है वट स्ट्रॉन्ग क्या बुरा हो गया गेटिंग नाउ मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है अब देखिए यहाँ पर जो है ना दो फ्रेंड्स बिजनेस की बात करेंगे छोटी सी कॉन्वर्सेशन है मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है सो माई बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल हमें कुछ एक वर्ड्स ऐसा है सुन के ही समझ में आते हैं सुनना ही पड़ेगा बेस्ट तरीका बस यही है लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन और कोई ऑल्टरनेट नहीं है इसका सुनना ही पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे विच हैज नो कनेक्शन विद हिंदी दस परसेंट सेंटेंसेज हैं जो ट्रांसलेट करके बोले जाते हैं नाइन्टी परसेंट ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ऑन वाई राइट सो माई बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल माई बिजनेस इज नॉट रनिंग वेल अच्छी बात यह है कि इंग्लिश में इन्हीं बातों को कहने के ऑल्टरनेट बहुत सारे होते हैं मान के चलिए आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है आई एम गोइंग थ्रू हार्डशिप फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप राइट right? सिर्फ तुम्हारा ही नहीं सारी मार्केट डाउन है दूसरा दोस्त कह रहा है एक दोस्त ने कहा कि माई बिजनेस इज नॉट वेल मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है सिर्फ तुम्हारा ही नहीं सारी मार्केट डाउन है एम्पिसाइज करना है सिर्फ तुम ही ऐसे नहीं हो सिचुएशन समझिए सिर्फ तुम ही ऐसे नहीं हो जो परेशान हो सारी मार्केट डाउन है सो इट्स नॉट ओनली यू इट्स नॉट ओनली यू इट्स द कंडीशन ऑफ एंटायर मार्केट आपने ऐसे कह दिया इट्स नॉट ओनली योर बिजनेस दैट्स डाउन इट्स नॉट ओनली योर बिजनेस दैट्स डाउन इट्स द कंडीशन ऑफ एंटायर मार्केट दो तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बस आपको ठीक से फिट करना आना चाहिए सो इट्स नॉट ओनली यू इट्स द कंडीशन ऑफ एंटायर मार्केट राइट दूसरा दोस्त कह रहा है क्या तुम्हारा भी बिजनेस डाउन है क्या तुम्हारा भी बिजनेस डाउन है सो इज योर बिजनेस डाउन टू

कैसा हाल है लेकिन पूछ नहीं रहा है ना कह रहा है मत पूछो कैसा हाल है सो डोंट द कंडीशन इज़ लास्ट में आ जाएगा डोंट आस्क व कंडीशन एज हालांकि इंटरजेंजेबली कहा जा सकता है डोंट आस्क व कंडीशन कह देंगे चल जाएगा राइट तो दोनों कहे जा सकते हैं अगर कोई कहे नहीं ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है इनकरेक्ट नहीं है नाउ इतना बुरा हाल कभी नहीं था जितना बुरा अब है देखिए लिटरल ग्रामर की एक्शुअल में हमको जरूरत नहीं होती है यानी इसी चीज को एक्चुअल में आप कोई इंग्लिश मूवी देखिए कोई नॉवल पढ़िए ग्रामर की बुक को छोड़कर इतनी इजी इंग्लिश होती है कि शायद ही कहीं पे लिटरल ग्रामर यूज होती हो तो इजी ग्रामर के साथ आपको मैसेज पहुंचाने की कोशिश करनी इतना, को इतना बुरा हाल कभी नहीं था जितना बुरा अब है दोनों तरीके से कह के देखते हैं देखिए इजी तरीका है द कंडीशन वॉज नेवर दिस बैड बिफोर इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी द कंडीशन वॉज नेवर दिस बैड बिफोर मैसेज पहुंचा दिया आपने इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी द कंडीशन वॉज नेवर दिस बैड बिफोर अब इसी को हम हिंदी के हिसाब से बोल के देखें इतना बुरा हाल कभी नहीं था जितना बुरा अब है द कंडीशन हैज़ नेवर बिन एज बैड एज इट इज़ नाउ द कंडीशन बिन एज बैड यानी हमने बताया अभी तक ऐसी नहीं थी द कंडीशन बिन एज बैड इट इज़ नाव दो बार एज लगा दिया कंपेयर करते हुए कंपेरिजन वाला फॉर्मूला लगा दिया इतनी बुरी कभी नहीं थी जितनी बुरी अब है द कंडीशन हैजर बिन एज बैड एज इट इज नाव दोनों तरीके हमको पता होने चाहिए लेकिन जो हम ऐज वाली कंडीशन बोल रहे हैं वैसे बोला नहीं जाता है हिंदी के हिसाब से बोल सकते हैं ऐसा नहीं है कि बोल देंगे तो गलत है लेकिन बोला नहीं जाता है इजी इंग्लिश हमको सीखनी है कि एक बात को इजीली कैसे पहुंचाएं अब इस मैसेज को आप अपने शब्दों में बड़ा इजीली पहुंचाओ तो फिर गुजारा कैसे चला रहे हो अब गुजारे की थोड़ी ना ट्रांसलेशन ढूंढेंगे आप समझ लीजिए खर्चे पानी की बात पूछ रहा है बंदा कि भैया जब बिजनेस डाउन है तो खर्चा कैसे चला रहे हो सो हाउ आर यू मैनेजिंग हाउ आर यू मैनेजिंग योर एक्सपेंसेस राइट तो मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो सौ तरीके होंगे धीरे धीरे एनहेंसमेंट आता चला जाएगा पहले मैसेज पहुंचाना शुरू करिए फिर आ, आ, अपने आप ही थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता चला जाएगा और इफेक्टिव होते जाएंगे सेंटेंसेस हाउ आर यू गेटिंग बाय दीज डेज हाउ आर यू गेटिंग बाय का मतलब भी होता है गुजारा चलाना सो एज यू टोल्ड मी योर बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल हाउ आर यू गेटिंग बाय दीज डेज कैसे गुजारा चला रहे हो राइट right? दोनों सेंटेंसेस को साथ में बोल करके देखिए एज यू टोल्ड मी योर बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल डेज हाउ आर यू गेटिंग बाय देन फिर गुजारा कैसे चला रहे हो How are you getting by these days? आजकल गुजारा कैसे चला रहे हो राइट right? रिपीट करेंगे खुद से साउंड याद हो जाएंगे सब भगवान भरोसे चल रहा है देखिए सामने वाले ने पूछा हाउ आर यू गेटिंग बाय देन दूसरा दोस्त कह रहा है सब भगवान भरोसे चल रहा है सब जस्ट रिलाइंग ऑन गॉड रिला एन जी लगा के कंटिन्यूटी बता दिए उसने कि सब उसी के भरोसे कंटिन्यूअसली अभी उसी के भरोसे पर हैं। सो जस्ट रिलाइंग ऑन गॉड भगवान के भरोसे पर हैं

तुमने तो कहा था या तुम कहते हो तो हिंदी से मिलान करना छोड़ देना है जबकि दोनों चीजें सही हैं अगर हम ये बट यू डोंट बिलीव इन गॉड कहते हो बट यू यू डोंट बिलीव इन गॉड लेकिन हमने यहाँ पर सेट क्यों लिखा है ये एक नेचुरल तरीका है इस प्रकार की कॉन्वर्सेशन में सेकेंड फॉर्म यूज करने का क्योंकि इंग्लिश में जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर है वो पास्ट उसके माइंड में चल रहा है कि तुमने कहा हुआ है बट यू सेड यू डोंट बिलीव इन गॉड राइट नो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस मैंने ऐसा कभी नहीं कहा दूसरा दोस्त कह रहा है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा आई नेवर सेट दैट मैंने ऐसा कभी नहीं कहा अब देखिए ऐसा के लिए यहां पर इसका ट्रांसलेशन करें मैंने यह कभी नहीं कहा राइट सो आई नेवर सेट दैट मैंने ऐसा कभी नहीं कहा अब इसके बाद में एम्फिसाइज करने का तरीका देखेंगे मैं भगवान पे विश्वास करता हूं लेकिन धर्म मुझे समझ नहीं आते अब देखिए जब दोस्त कह रहा है दोस्त उस पर ब्लेम कर रहा है ना कि तुम तो कहते हो यू डोंट बिलीव इन गॉड अब उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हुए कहना है मैं भगवान पे तो विश्वास करता हूं लेकिन धर्म समझ में नहीं आते हैं तो डू का इस्तेमाल कर लेंगे आई डू बिलीव इन गॉड यानी भगवान पे विश्वास करता हूं मैं तो उसने एम्फिसाइज कर दिया आई डू बिलीव इन गॉड बट इट्स रिलीजन दैट आई डोंट अंडरस्टैंड यहां पर इट्स लगा देंगे वो धर्म है जो मुझे समझ नहीं आता सो आई डू बिलीव इन गॉड बट इट्स रिलीजन दैट आई डोंट अंडरस्टैंड यानी कि बस धर्म है जो मुझको समझ में नहीं आता है

खुद धर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी तो दोस्त कह रहा है हाउ विल यू फाइंड गॉड विदाउट रिलीजन दूसरा दोस्त उसी को कह रहा है कि तुम भगवान पर विश्वास करना शुरू कर दो तुम्हें धर्म की जरूरत पड़ेगी ही नहीं कहो स्टार्ट बिलीविंग इन गॉड स्टार्ट बिलीविंग इन गॉड यू वॉन्ट नीड द रिलीजन इन डीड इन डीड साथ में जोड़ दीजिए कि असल में तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी सो स्टार्ट बिलीविंग इन गॉड यू वॉन्ट नीड द रिलीजन इन डीड वास्तव में जरूरत पड़ेगी ही नहीं तो इस सेशन के बारे में प्लीज़ आप मुझको फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको सेंटेंसेस समझ में आए कि नहीं आए एंड आई आईव ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सएप नंबर लाइव क्लासेज में आप आइए वहाँ पर ग्रुप में ग्रुप में जब आप 200-300 पार्टिसिपेंट्स के साथ पूरा दिन पूरी रात प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको इस प्रकार की कॉन्वर्सेशन में क्या कहा जाना है रैंडम सेंटेंसेस पता चलेंगे उनके स्ट्रक्चर्स पता चलेंगे और सिर्फ ऐसा नहीं कि चैटिंग करेंगे फ़ोन पे बात कर सकते हैं आप पार्टिसिपेंट्स के साथ जब क्लोज हो जाएंगे तो दूसरे दोस्तों के साथ आप मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं गूगल मीट जूम पे पूरा दिन सब अपने अपने ग्रुप बना के पूरा दिन प्रैक्टिस करते रहते हैं क्योंकि प्रैक्टिस इज द ओनली वे विच कैन हेल्प यू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश गेटिंग माई पॉइंट प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो यहाँ पे एक एटमोसफियर मिल जाएगा प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे जिनके साथ आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और शाम को लाइव क्लासेज होती हैं वहां पर जो भी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेज ग्रुप में डिस्कस होते हैं कहीं और से सुने होते हैं कोई लिटरल ग्रामेटिकल रूल समझ नहीं आता है तो लाइव क्लासेज में डेढ़ दो घंटे हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं डेढ़ सौ दो सौ नए नए सेंटेंसेज रोज सुनेंगे उनका ग्रामर लॉजिक स्ट्रक्चर यूसेज साथ के साथ समझेंगे पंद्रह बीस दिन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट फ्लूएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वॉन्ट टू स्पीक प्लीज की बिल्कुल चिंता मत करिएगा बहुत ही छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं हम नाम मात्र के लिए मोस्ट वेलकम है आपका लाइव क्लासेज में आइए फीडबैक जरूर लिखिएगा कोई सजेशन हमारे लिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा प्रैक्टिस करते रहें फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ टेल दैन बाय